नमस्ते सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बिना बेसन बिना चावल के पकौड़े, जिसे ना आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं और बहुत ही झटपट, और जो ना टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होगा। और इस पकौड़े को बनाने के लिए ना आप बरसात का इंतज़ार ना करें, आप जब चाहे इस पकौड़े को बना करके खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या करें कि सबसे पहले यहाँ पे हरे मूंग को लें। इसे ना मैंने 7 से 8 घंटा के लिए पानी में रखा था, ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। आप चाहे ना तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और फिर क्या करें कि इसे हम पीसेंगे, तो पीसने के लिए एक मिक्सी का जार लें और इसी में ना सारे मूंग को डाल दें, और साथ में ना 3 से 4 ये हरा मिर्चा इसे भी डाल दें, और 2 से 3 लहसुन की कली है इसे भी डाल दें, और थोड़ा सा ना यहाँ पे बारीक कटवा हरा धनिया पत्ता को भी डाल दें, और साथ में ना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को भी डाल दें। और इसे क्या करें ना कि बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ध्यान रहे कि इसे बहुत बारीक नहीं पीसे, इसे हल्का सा दरदरा ही पीसे। और यहाँ देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, ये बिल्कुल बारीक नहीं है, ये हल्का सा दरदरा ही है। और ना इसमें पानी भी बिल्कुल भी नहीं डालें। और यहाँ पे हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, तब क्या करें ना कि इसमें डाल दें एक बारीक कटा हुआ ये प्याज है, इसे भी डाल दें, और साथ में इसमें थोड़ा सा डाल दें हल्दी पाउडर, और सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो अब चलते हैं गैस के पास। गैस पर ना एक कढ़ाई बैठाएं और उसमें डाल दें मस्टर्ड ऑयल, और तेल गर्म होते ही क्या करें पकौड़े को इस तरह से डालें। इसे ना हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पून से ही ना इस तरह से आप उठाएं और डायरेक्ट तेल में डाल दें। जितना तेल में पकौड़ा जाए उतने पकौड़े को आप डाल दें, और गैस को मीडियम रखें, और मीडियम फ्लेम पे इस पकौड़े को ना बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इस पकौड़े को उलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। ये पकौड़ा जो इतना टेस्टी लगता है ना, आप इसे चावल दाल और पकौड़े के साथ खाना खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, और पूरे पेट भर के आप खाना को खा पाएंगे। इसके साथ सब्जी चटनी वगैरह की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए जो हमारा पकौड़ा है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इस पकौड़े को थोड़ा सा तेल इस तरह से निकाल लें, और इस पकौड़े को गर्मा गर्म सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसी तरह से ना आप सारे पकौड़े को फ्राई कर लें। इस पकौड़े को बनाने के लिए आप पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें, या करें भी तो बहुत ही थोड़ा करें। और अगर आपको लगे कि जो हमारा मूंग दाल का बैटर है थोड़ा ढीला हो गया, तो आप उसमें थोड़े से चावल का आटा या बेसन को डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए सारे पकौड़े को फ्राई कर लिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बन करके रेडी हैं। और इस पकौड़े में ना थोड़े से ऊपर से काला नमक या चाट मसाला जो भी आपके पास हो उसे डाल दें। ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी पकौड़े बन करके रेडी हैं। आप इस पकौड़े को ना चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आपके पास चटनी सॉस नहीं है तो आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।